आज जो हमारा टॉपिक होगा, अभी आपने शिक्षण विधियां पढ़ ली, शिक्षण के उद्देश्य पढ़ लिए, शिक्षण के स्तर भी पढ़ लिए, ठीक है। एक चीज होती है जो आप बाल विकास में सबसे पहले पढ़ते हैं, विकास, है ना, विकास एवं अभिवृद्धि। तो आप ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर कोई चीज है तो कहीं से शुरू होती होगी। अगर कक्षागत शिक्षण है तो कहीं से वो शुरू होता होगा और कहीं पे जाके खत्म होगा। जैसे बालक की अवस्थाएं होती है, वैसे शिक्षण की भी अवस्थाएं होती है, ठीक। आज हम उन्हीं अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। तो शिक्षण आप जानते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, ठीक। अब देखेंगे शिक्षण की अवस्थाएं हमें किस प्रकार पढ़नी है। तो यहाँ जो हम अवस्थाएं पढ़ेंगे वो औपचारिक शिक्षण की अवस्थाएं पढ़ेंगे, क्योंकि अनौपचारिक कहीं फिक्स नहीं है, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से नहीं। बालक गर्भ में है तभी से सीखना शुरू कर देता है, अभिमन्यु का एग्जाम्पल आप जानते हैं, और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो सीखता रहता है, अर्थात उसका आदि अंत बताना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो औपचारिक शिक्षण होता है, जिसमें कक्षा फिक्स होती है, स्टूडेंट फिक्स होते हैं, टीचर फिक्स होता है, कंटेंट फिक्स होता है, उसकी अवस्थाएं तीन रूप से बटी हुई, ठीक है। जिसमें उसकी पहली अवस्था है पूर्व शैक्षणिक अवस्था। पहले दिन के लेक्चर में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, जो भी पहले दिन रहे होंगे मैंने ये आपको बता दिया था कि आपको पढ़ना क्या है। दूसरा मध्य शैक्षणिक अवस्था, ठीक, फिर उत्तर शैक्षणिक अवस्था, ठीक। ये तीन अवस्थाएं आपको पढ़नी है औपचारिक शिक्षण की, ठीक। अब देखिए हम इसको पूर्व क्यों लिखते हैं, मध्य क्यों लिखते हैं, उत्तर क्यों लिखते हैं। चलिए ये भी हम जानते हैं, पहले आने वाली चीज मतलब पूर्व में आई हुई चीजें, पूर्व बीच में आई हुई चीजें, मध्य, लेकिन इसको बाद की चीजें क्यों नहीं कहते, इसको उत्तर क्यों कहते हैं? उत्तर का अर्थ बाद होता है। अगर इसको, क्योंकि अभी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो अगर उसकी मैपिंग से आप देखिए, नॉर्थ साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब यहाँ वेस्ट बंगाल या वेस्ट नहीं होता, वो बंगाल की खाड़ी के वेस्ट है, इसलिए बंगाल जो आपका बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम कहा जाता है। वेस्ट किधर होता है? इधर। ये देखिए नॉर्थ कहाँ है? ऊपर बढ़ता हुआ अधोमुखी, अर्थात किसी प्रक्रिया के होने के बाद जब उसका विकास होने लगे, आगे की ओर बढ़ने लगे, वो उत्तर की अवस्था कही जाती है। जैसे आपने सुना होगा उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर किशोरावस्था, सुना होगा ना? ऐसे आपने क्या पढ़ा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ना? तो उसमें भी कैटेगरीज होंगी, जैसे पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, ठीक। उसी प्रकार ये पूर्व शैक्षणिक अवस्था, मध्य शैक्षणिक अवस्था और उत्तर शैक्षणिक अवस्था। नाम क्लियर हो गया क्यों ऐसा कहा गया? ये शिक्षण के पूर्व की अवस्था है। जब शिक्षण हम स्टार्ट करने जाते हैं, ये शैक्षणिक प्रक्रिया जो कक्षागत होती है, और ये शिक्षा जब आपकी क्लास खत्म होती है तब कौन सी अवस्था आती है? उत्तर शैक्षणिक अवस्था। अब देखिए पूर्व शैक्षणिक अवस्था में आपको बस इतना जानना है कि कहां कौन सा कार्य करते हैं। आपको क्योंकि क्लासेस लेनी है, पढ़ाना है, 45 मिनट या 35 मिनट की क्लास आपकी होनी है। ये बताइए आपको जो पढ़ाना है, आप जब क्लास में इंटर कर लेते हैं तब बताते हैं या तब डिसाइड करते हैं कि चलिए आज हम आपको यही पढ़ाएंगे? नहीं, क्या करते हैं? प्री प्लानिंग करते, अर्थात कक्षा में प्रवेश के पूर्व जितनी आपकी शैक्षणिक क्रियाएं होती है, कौन सी क्रियाएं होती है? पूर्व शैक्षणिक अवस्था के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं होती है। अब जिस क्षण आपने कक्षा में प्रवेश किया और जिस क्षण आप उस कक्षा से निकल रहे या आपका लेक्चर समाप्त हो रहा है, वो अवस्था कौन सी अवस्था कही जाएगी? मध्य शैक्षणिक अवस्था। इसे मुख्य शैक्षणिक अवस्था भी कहते हैं। क्यों?
यही यही तो है जिसके लिए पूर्व में हमने योजना बनाई, जिसके लिए हम यहाँ है। हम आए क्यों? आपको पढ़ाने के लिए। वो किसमें आएगा? मध्य शैक्षणिक अवस्था। फिर क्या है? आपने पढ़ा लिया, कौन सी अवस्था आएगी उसके बाद? उत्तर शैक्षणिक अवस्था। क्या हो रहा है? अब देखेंगे कितना आपका डेवलपमेंट हो रहा है, क्या उसमें कमियां है, कैसे आप विकास को और अधोमुखी बनाते जाए। अब आप जितना मैंने अभी बोला उससे आप समझ गए होंगे, सबसे पहला टर्म इसमें क्या आएगा? देखिए, लेशन प्लान बनाने से पहले आप ये डिसाइड करते हैं आपको पढ़ाना क्या है, है ना? जैसे आपको मान लीजिए जो आप पढ़ रहे थे ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, ठीक, तो उसका जो पॉइंट है आपको जो 35 मिनट यहाँ पे शिक्षण करना है, आप ये निर्धारित करेंगे कि कल या परसों जो है नेक्स्ट मेरी जो क्लास है हम कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रकरण का निर्धारण करेंगे। दूसरा, योजना। मैनेजमेंट सुना है, प्रबंधन, उसका ये बहुत ही मुख्य पार्ट होता है। कोई भी चीज, ये भी कक्षा का क्या होता है? आपका मैनेजमेंट होता है। प्रबंधक वो है जो विद्यालय को मैनेज करता है, शिक्षक वो है जो अपनी कक्षा को मैनेज करता है। कौन कैसे है, किसको कम आ रहा है, किसको ज्यादा आ रहा है, कैसे हमको पढ़ाना है, कैसे संवर्धन करना है, ये सब शिक्षक निर्धारित करता है। तो क्या करेगा वो? योजना का निर्माण करेगा। फिर आपकी जो शिक्षण तकनीकी होगी उसका निर्धारण करें, कौन सी तकनीकी हम यूज करेंगे। तकनीकी वही नहीं कि आप ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज करिए, तकनीकी शिक्षा, शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया होती जो उसको और सरल और सुलभ बना देती है। कोई भी कार्य अगर आप तकनीकी से करते हैं तो आराम से हो जाता है, जानते हैं। आपको बात करना है घर, आप चाहेंगे घर कह के आएंगे और आप यही बैठे बैठे फोन लगाएंगे और तुरंत कह देंगे, दोनों में क्या अंतर है? तकनीकी का है ना, अर्थात जो तकनीकी होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या वो उस कार्य करने की जो प्रविधि होती है उसको और ज्यादा सरल और सुलभ बना देती है। हम कौन सी तकनीकी कल की कक्षा में या अपनी नेक्स्ट कक्षा में यूज करेंगे हम पहले से निर्धारण कर लेंगे, अर्थात ये भी किसमें आएगा? आपका पूर्व शैक्षणिक अवस्था में। कौन सी विधियां हम यूज करेंगे, कौन सी शिक्षण विधियां हम यूज करेंगे, ये भी क्या करेंगे? पहले ही निर्धारित कर लेंगे, अर्थात शिक्षण क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसको कैसे बैलेंस करना है। जो हम भविष्यवाणी करते हैं वो कौन सी प्रक्रिया या कौन सी अवस्था में आता है? पूर्व शैक्षणिक अवस्था में। ये भविष्यवाणी तो है, कल हम क्या पढ़ाएंगे, हम कैसे पढ़ाएंगे, कौन सी विधि यूज करेंगे, कौन सा TLM यूज करेंगे, सहायक सामग्री, इसमें क्या होगा? आप ये भी निर्धारित करेंगे कि आपकी सहायक सामग्री क्या होगी। क्यों? आप कक्षा में जाने के बाद आप ग्लोब ढूंढने जाएंगे? नहीं। आप कक्षा में जाने के बाद चार्ट ढूंढने जाएंगे? नहीं। आपको जो पढ़ाना है उससे रिलेटेड जितने मटेरियल है आप पहले से उसको क्या करेंगे? व्यवस्थित कर लेंगे। अर्थात हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे उसमें उसको संवर्धित करना है, इसकी पूरी योजना किसके अंतर्गत की जाती है? पूर्व शैक्षणिक अवस्था के अंतर्गत की जाती है। अब आया मध्य या मुख्य शैक्षणिक अवस्था। अब जिस क्षण आपने कक्षा में प्रवेश किया तब से लेके जिस क्षण आप वहां से बाहर गए तब तक की जितनी क्रियाएं होती है कौन सी अवस्था में आएंगी? मध्य शैक्षणिक अवस्था। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मुख्य शैक्षणिक अवस्था। अब क्या करेंगे? पहले आप जाएंगे तो क्या कक्षा का आकार देखेंगे। ये बात कई बार कई क्वेश्चन में पूछी जाती है, कक्षा का आकार। सबसे पहले क्या करेगा? टीचर आएगा तो देखेगा कक्षा का आकार क्या है। अब ये बताइए, ये इतनी बड़ी कक्षा है ना, मैं आऊं देखूं क्या मैं इसकी ईंट दीवार और ज्यादा दूर करवा दूंगी, और ज्यादा कंजेस्टेड करवा दूंगी, इसके आकार में बदलाव कर दूंगी? नहीं। तब क्यों कहा जाता है कि कक्षा का आकार निर्धारित किया जाता है या उसको संतुलित किया जाता है? बिल्कुल, कक्षा के आकार से आपका तात्पर्य बच्चों की संख्या से है। सब सही से बैठे कि नहीं, उनके बीच प्रॉपर गैपिंग है कि नहीं, वो लिख लेंगे कि नहीं, उन तक आवाज जाएगी कि नहीं। जैसे RTE में क्या कहा है, जो रेशियो दिया है 30:1, एक कक्षा में 30 बच्चे या 30 बच्चों पर एक टीचर,
अर्थात एक कक्षा एक टीचर अगर चलाएगा तो तीसरे बच्चे होंगे। अगर ये 200 से ऊपर अगर संख्या है उस विद्यालय की तो क्या हो जाएगा, 40:1। और यही अगर अपर प्राइमरी में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 35:1। इसी प्रकार जब कक्षा में आपने प्रवेश किया, आप देखेंगे जो कक्षा का आकार है वो संतुलित है कि नहीं, बच्चे जितनी संख्या है उनको प्रॉपर बैठने की जगह है कि नहीं, सही से बैठे हैं कि नहीं, अगर मैं बोलूं लिख लेंगे कि नहीं। ठीक, तो सबसे पहले जब आप कक्षा में घुसे क्या करेंगे, कक्षा के आकार का संतुलन करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं है तो है तो ठीक है, फिर अब आपका शुरू होगा मेन कोर्स, क्या पढ़ाना, पढ़ाएंगे कैसे। यहां जो आपने पाठ योजना का निर्माण किया, ये क्या है, पाठ योजना ही है ना, कैसे आप पढ़ाएंगे उसी को आपको संचालित करना है। तब आप क्या, जब टीचिंग करने जाते हैं यहाँ लिखते हैं विद्यालय का नाम, कौन सा पीरियड है, कौन सी डेट है, कौन सी कक्षा है, कौन सा आपका कितना टाइम है, कौन सा विषय है, कौन सा उप विषय, ये सब लेसन प्लानिंग में नहीं आता, ये एक फॉर्मेट। शुरू कहाँ से हुआ, जो उद्देश्य आपने बनाए हैं आप उसकी पूर्ति के लिए जब कार्य करना शुरू कर देंगे वहीं से आपके जो योजना बनी है उसका संचालन होने लगे। आप सबसे पहले अगर कक्षा में जाने के बाद पहला कार्य करेंगे तो क्या करेंगे, उसके पूर्व ज्ञान का जो आपने आकलन किया और उस पर निर्धारित आपने जो प्रस्तावना के प्रश्न बनाए उससे पूछेंगे, आप प्रकरण तक आने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब यहां समझ लीजिए जो योजना है इसमें आपको पॉइंट्स बताए गए, क्या होता है, हम उद्देश्य का निर्माण करते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य उद्देश्य विषय की प्रकृति से संबंधित, विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित, प्रकरण से या आपके विषय वस्तु से। फिर क्या करेंगे, आपने जो सामग्रियां रखी हैं उसको वहां व्यवस्थित करेंगे, सहायक सामग्री का टर्म आता है उसमें। फिर आप प्रस्तावना के प्रश्न पूछेंगे, आप एक भविष्यवाणी करते हैं, जैसे मैं वो दाव वाला जो आपको एग्जांपल दे रही थी आगमन में, यहाँ रखिए आपको दाव पढ़ाना है, एक ही एग्जांपल से पाठ योजना समझिए, क्या वही प्रस्तावना के प्रश्न थे आपके, आप पूछेंगे किसका बर्थडे है या किसका बर्थडे पिछले महीने था, बच्चा बताएगा, ठीक, सजावट कैसी थी बताएगा, बैलून था, किरकिरी थी, टॉफी थी, चॉकलेट था, गिफ्ट थे। फिर आप पूछेंगे बैलून, बैलून कितना सुंदर लगता है ना, तो हो सकता है बोलेगा कि हाँ बहुत अच्छा होता है, फुला फुला होता है, इसको कैसे फुलाते हैं, तो बोलेगा क्या, हवा भरते हैं और फुलता है। फिर कहेंगे अच्छा भरते जाएंगे फुलता जाएगा, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कि नहीं 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 जब ज्यादा भरेंगे ना तो पक्क से फूट जाएगा। ठीक, जब फूटेगा तो आप क्या पूछेंगे, अच्छा फूट क्यों जाता है, या तो वो चुप हो जाएगा क्योंकि उसे कारण नहीं पता, वो कारण तक पहुंच गया तो वहां आपका कौन सा प्रश्न बन जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न, और हो सकता है वो बता दे कि अरे उस पर बहुत दबाव पड़ता है। तो ये चीजें बच्चे यूज करते हैं डेली, बस वो जानते नहीं कि है क्या। तो आप क्या कहेंगे, आज जो दबाव पड़ता है आज हम सब मिलके उसका अध्ययन करेंगे, ये आपने योजना बनाई। अब जब कक्षा में गए तो क्या किया, अब इसी योजना को आप फॉलो करेंगे, आप उससे प्रस्तावना के प्रश्न पूछिए। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती कि जो आपने वांछित उत्तर उनसे मांगे होते वो नहीं दे पाते, ऐसे में आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, जो योजना बनाई आपने एक भविष्यवाणी की है, जरूरी नहीं कि वो पूरी पूरी फॉलो, आप उसको टॉपिक के जितने नजदीक ले आ सकते हैं उतने नजदीक लाएंगे, बैलून तक लाएंगे, फुलाने तक लाएंगे, फटने तक लाएंगे, वहां तक लाके आप उसको बताएंगे जो फटता है ना उस पर दबाव पड़ता है, आज हम लोग वहीं पढ़ेंगे। ठीक, अब आप उसको क्या करेंगे, कंटेंट पढ़ाना शुरू करेंगे। तो इसके भी चरण आपके थे, स्पष्ट करते हैं क्या बिंदु है, उसकी क्या परिभाषा है। आगमन विधि से पढ़ाए तो क्या, यही जो आप ले आए आगमन विधि हो गई, पहले आपने एग्जाम्पल दे दिया बाद में सिद्धांत बता रहे। निगमन विधि से पढ़ाएंगे तो पहले ये क्या करेंगे, पहले आप बताएंगे दाब की परिभाषा, दाब के प्रकार, दाब का मात्रक, ठीक, कहाँ कहाँ यूज होता है, तब आप एग्जाम्पल बताएंगे। किसी भी विधि से आप उसको पढ़ा सकते हैं, ये यहाँ पे आपने निर्धारित कर रखा है पूर्व में, किस अवस्था में, पूर्व शैक्षणिक अवस्था में। अब आप उसको पढ़ाए तो किस, फिर प्रश्न करेंगे, ऐसा नहीं पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ा दिया, पाठ योजना छोटे छोटे बिंदुओं में विभक्त होती, जितना वो समझ सके, जितना वो बैलेंस कर सके, जितना वो बता सके एक बार में। जैसे मान लीजिए 10 लाइन का आपका लेक्चर हुआ,
ये परिभाषा है, इसका ये मात्रक है, एक बार में। तो क्या करेंगे, अब बीच बीच में देखें उसने सीखा कि नहीं, उसने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका स्तर क्या है। तो क्या करेंगे, आप उससे प्रश्न पूछेंगे, फिर बोलेंगे अच्छा अभी हमने दाब का, दाब आपको बताया क्या है, चलिए बताइए कौन कौन बताएगा दाब क्या है। तो बच्चे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। आपने जो पाठ योजना बनाई इसमें फिर एक टर्म आता है छात्र अनुक्रिया, रहता है ना, एक साइड शिक्षक क्रिया, बगल में छात्र अनुक्रिया। आप लिखते हैं छात्र उत्तर देगा, लेकिन हो सकता है वो ना दे, हो सकता है बीच में खड़ा हो जाए एक प्रश्न लेके, बताइए मैडम ये कैसे होता है। तो आप क्या करेंगे, चुप रहो बैठ जाओ, ये मेरे लेसन प्लान में नहीं है, इसलिए इसे मुख्य शैक्षणिक अवस्था करते हैं कि आप जो भविष्यवाणी करते हैं अचानक भी कई परिस्थितियां बन जाती हैं। बच्चा बार बार क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, वो समस्यात्मक बालक भी होते हैं, वो बस उनका क्या टारगेट रहता है, टीचर पढ़ाए ना, हमको लिखना ना पड़े, हम उसको डिमोटिवेट कर दे, क्या करेगा बार बार क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको उस परिस्थिति से निपटने के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी तत्काल। जो आपने पाठ योजना 35 मिनट की 45 मिनट की बनाई, आपको यहाँ उसका संचालन विधिवत करना पड़ेगा। फिर बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर प्रश्न पूछेंगे, फिर पुनरावृत्ति करेंगे। अब वो क्या करेंगे, आप पहले पे आएंगे, सबका संश्लेषण करेंगे। देखिए विधियां अलग आपने पढ़ी, अब यहाँ ये भी जानिए कहाँ आगमन आ रहा है, कहाँ निगमन आ रहा है, कहाँ संश्लेषण आ रहा है, कहाँ विश्लेषण आ रहा है। जब उसको टाइप बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे, वहां क्या आएगा, विश्लेषण। फिर जब आप पुनरावृत्ति करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, वहां क्या आ जाएगा, संश्लेषण। तब आप क्या करेंगे, फिर आप उससे पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे। अंतिम कार्य यहाँ क्या होता है, गृह कार्य देंगे और कक्षा का समापन। यहाँ तक तो लगभग सभी जानते कि ये प्रक्रिया क्या होती है। इसमें एक टर्म और आता है, पुनर्बलन। जब छात्र अनुक्रिया दे तो उसको धनात्मक पुनर्बलन दिया जाए और ऋणात्मक पुनर्बलन वहां से हटा दिया जाए। जैसे आप कहेंगे उसको एक छड़ी मारी तो ये ऋणात्मक पुनर्बलन है ना, नहीं, ये दंड है। दंड और ऋणात्मक पुनर्बलन दो चीजें। जैसे यहां बहुत शोर हो रहा है, अगर इस शोर को हटा दिया जाए तो आप क्या करेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, अर्थात ये ऋणात्मक पुनर्बलन है। ये नहीं खड़ा करके दो डंडे मार दिया, वो दंड है ऋणात्मक पुनर्बलन। जो धनात्मक पुनर्बलन होता है, इसको यूज करने से क्या होता है, पुनरावृत्ति बढ़ती है कार्य करने की, फिर से कार्य करने के लिए वो तत्पर हो जाता है। और ऋणात्मक जो पुनर्बलन होता है उसको हटा देंगे, शोर है, मान लीजिए बहुत ज्यादा हवा चल रही है, आप लिख नहीं पा रहे, आपका पेज उड़ रहा है, अब इसको हटा दे तो क्या, आप अच्छे से लिख लेंगे, ये ऋणात्मक पुनर्बलन। आपको ऐसी चीजें जो कक्षा में बाधा उत्पन्न कर रही है उनको हटाना है, न कि उसको दंड देना है। दंड की कहीं बात ही नहीं है, पूरा मनोवैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत ही अवस्थाएं बनाएगी, आप बालक को दंडित नहीं कर सकते। यहाँ जो ऋणात्मक पुनर्बलन है आपको क्या करना है, उसको हटा देना है। जैसे कि शोर हो रहा है, कोई बगल में झगड़ा कर रहा है, मान लीजिए बार बार आपका फोन आ रहा है, मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ, बार बार मेरा फोन आ रहा है, हम डिस्टर्ब हो जा रहे, आपके ऊपर भी तो वो प्रभाव डालेगा, हम उसको हटा दिए। तो क्या हो गया, ये ऋणात्मक पुनर्बलन को हटाना। और धनात्मक क्या, आपसे प्रश्न पूछा कौन बताएगा दाब क्या है, कोई हाथ नहीं उठा, एक बच्चा हाथ उठा, तो उसको कैसा पुनर्बलन देंगे, वेरी गुड। अगर 10 बच्चे हाथ उठाए उसमें से एक पूछे, गुड। देखिए वही चीज वही प्रश्न, अगर ज्यादा बच्चे बता ले रहे, आपके तकनीकी में कुछ कमी है तभी ना इतना कम बच्चा बता रहा है, और उस पर भी अगर वो सीख ले रहा है तो वेरी गुड के लायक है। फिर ज्यादातर बच्चे बता रहे हैं तो गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। इस प्रकार के शब्दों का आप प्रयोग करेंगे, ये भी किसमें आएगा, आप मध्य शैक्षणिक अवस्था के अंतर्गत आएगा। इतना तक क्लियर है। अब देखिए उत्तर शैक्षणिक अवस्था के, इसमें सबसे पहली चीज आता है मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन भी कभी कभी इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, दोनों में हर जगह आप यूज कर सकते हैं ना, मध्य से लेके उत्तर तक। और व्यवहार दिशा निर्देशन, ठीक, एक एक टर्म बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है ना,
वैसे मूल्यांकन जानते हैं ना, मूल्य का अंकन करना, मूल्यांकन। लेकिन शिक्षण में मूल्यांकन बहुत ही व्यापक शब्द है। प्रतिपुष्टि सुना होगा, फीडबैक। लेकिन क्यों होता है? आप देखेंगे प्रतिपुष्टि का क्या रोल है उत्तर शैक्षणिक अवस्था में। सबसे बड़ी चीज व्यवहार का दिशा निर्देशन। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। आप कल तक यही जानते थे जो हम पीते हैं वो ऐसे ही द्रव है। आज आप केमिस्ट्री पढ़ के जाएंगे उसको H2O की नजर से देखेंगे, देखेंगे ना। छोटा बच्चा आप तो नहीं, आप उतने जागरूक नहीं होते या उतने उत्सुक नहीं होते या उतना आप चैतन्य नहीं होते किसी प्रकरण के प्रति। जो बालक होता है बाल्यावस्था का, वो बहुत ज्यादा क्यों और कैसे करता है, पूछते हैं ना। खोज की अवस्था किसे कहते? पूर्व बाल्यावस्था। 3 वर्ष से 5 तक जो आपकी अवस्था होती है वो खोज की अवस्था कही जाती है। ये क्या है, ये क्यों कैसे है, क्यों नहीं पूछेगा। क्यों है तो आपको फिर रीजन बताना पड़ेगा ना, ये क्या है, ये कैसे चल रहा है। ठीक, यहाँ इतने लोग क्यों बैठे हैं? हमें प्यास लगती है तो पानी क्यों पीते हैं? ऐसे बच्चे भी क्वेश्चन करते हैं, वो अपरंपरागत चिंतन करके क्वेश्चन करते हैं, आप सोच भी नहीं पाएंगे। फूल क्यों खिल रहा है, क्यों उसको बोलते खिल रहा है? देखिए ये आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं। क्यों? वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो एकदम खोज की अवस्था में रहते। आप इसमें क्या करेंगे? आप उनका मूल्यांकन करेंगे जो चीजें आपने पढ़ाई, किस चीज का, जो उद्देश्य आपने बनाए लेशन प्लान में, उनकी पूर्ति आपने किस स्तर तक की। 100% तो कभी नहीं होगा। क्यों? हर बच्चा व्यक्तिगत विभिन्नता रखता है। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा, प्रत्येक बालक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। तो सबका सीखने का तरीका, सीखने का स्तर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आप 100% अचीवमेंट नहीं कर पाते। लेकिन जो उद्देश्य यहाँ आपने सामान्य और विशिष्ट बनाया, जिस स्तर तक उसकी पूर्ति होती है उसका अंकन करना क्या होगा, मूल्यांकन। फिर प्रतिपुष्टि, सूक्ष्म शिक्षण करते हैं, मुख्य शिक्षण करते हैं, पीछे आपकी आपका लेशन प्लान रखा रहता है। आप यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को एकदम सिस्टमैटिक, भले ऐसे न पढ़ाए उस समय पढ़ाते हैं, पीछे आते हैं आपकी कॉपी पे लिख के चले जाते हैं। कक्षा अनुशासित नहीं है, कक्षा अनुशासित है, समझ रहे हैं? या शिक्षण प्रभावशाली नहीं है या शिक्षण प्रभावशाली है, अर्थात दोनों प्रकार की आपकी प्रतिपुष्टि होगी, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, जो ऐसे व्याख्यान या ऐसे सेंटेंस जो आपकी क्रिया का ये दिशा निर्धारण करें कि वो सही दिशा में है या नहीं, आपने जो पढ़ाया वो कहां तक पहुंचा, आपका जो तरीका था वो कितना अच्छा था। इसमें बालक का कोई रोल नहीं, बालक का कहां मूल्यांकन हो रहा है, ऊपर। यहां एक शिक्षक का मूल्यांकन होगा, क्या उसने कमियां छोड़ दी, कहां उसने गलती कर दी, कहां वो भटक गया अपने टॉपिक से। वो एक फीडबैक लेता है, बच्चों से भी लेता है, पीछे जो आपके चेक करने वाले तो उनसे भी लेता है, अर्थात ये उत्तर शैक्षणिक अवस्था में आएगा, क्योंकि शिक्षण के बाद ये किया जाता है। फिर आता है व्यवहार दिशा निर्देशन, इसीलिए तो आप अधिगम करा रहे है ना, किस दिशा में बालक को आप ले जाना चाहते हैं। शिक्षा यही तो करती है, आपकी व्यवहार की दिशा को परमार्जित कर देती है, सही दिशा पर ले जाती है। आप यहां देखेंगे कि जो बालक में परिवर्तन हुआ आपके शिक्षण के पश्चात वो किस दिशा में है, अगर नहीं सही दिशा में है तो उसको आपका कर्तव्य है कि सही दिशा में लाएं। इसमें एक चीज और आती है, जो आकस्मिक परिस्थितियां आती है वो कौन सी अवस्था में आती है, मध्य शैक्षणिक अवस्था में। बालक अगर आपको जैसे समावेशी शिक्षा सुना है, सारे बालकों का, विभिन्न क्षमताओं वाले बालकों का एक साथ शिक्षण, बालक को कम दिख रहा है तो बीच में आपको 1 मिनट ब्रेक करके क्या करना पड़ेगा, उसको आगे बैठाना पड़ेगा या उसके लिए इंस्ट्रूमेंट ले आना पड़ेगा, है ना। जो पूर्ण है दृष्टिबाधित उसको तो आप जानते हैं, वो तो लिस्टेड है, लेकिन कभी कभी अचानक बालकों को दिक्कत आ जाती है, नहीं सुन पा रहे, पीछे तक आपकी आवाज नहीं जा रही है, उनको आगे बैठा दीजिए, कोई बीच से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप उनको डिमोटिवेट मत करिए, उसका भी समाधान करिए, लेकिन समय की बाध्यता का ध्यान रखते हुए 45 मिनट 35 मिनट जो भी आपका शिक्षण रहेगा उसके अंतर्गत आप जो प्रक्रिया करेंगे वो क्या होगी,
मध्य शैक्षणिक अवस्था के अंतर्गत आएगी। उसके बाद आप उसका बच्चों का जो मूल्यांकन करेंगे या अपने उद्देश्यों का जो मूल्यांकन करेंगे वो कहाँ आएगा, उत्तर शैक्षणिक अवस्था में। अपने क्रियाकलाप का जो मूल्यांकन करेंगे, सही किया नहीं किया, क्या कमी रहेगी, कैसे सुधार करें, तो क्या करेगा, प्रतिपुष्टि द्वारा होगा। फिर अंतिम जो पद आपका होता है शिक्षण, क्या व्यवहार का दिशा निर्देश। यही शिक्षण की मुख्य तीन अवस्थाएं होती है। अब पूछे किस प्रकार के शिक्षण की अवस्थाएं हैं, ये औपचारिक शिक्षण की अवस्थाएं। अनौपचारिक आपका कहीं भी हो सकता है ना, निरौपचारिक में भी क्लास बाउंडेड नहीं रहते, आप फ्री होते हैं, आपको डेली क्लास नहीं करना है, टीचर डेली आपके संपर्क में नहीं रहेगा, या शाम को पढ़ाएगा, सायंकालीन शिक्षा है, या सैटरडे संडे पढ़ाएगा, गर्मियों में ग्रीष्मकालीन कक्षाएं लगाएगा। आपने सुना होगा ये नाम, ग्रीष्मकालीन कक्षाएं चलती हैं, इग्नू वाले क्या संडे संडे क्लास चलाते हैं। जो किसी जॉब में है, जो औपचारिक कक्षा से वंचित हो जाते हैं, उनके लिए निरौपचारिक कक्षा की व्यवस्था की गई। लेकिन यहाँ जो अवस्थाएं आपकी बताई गई कौन सी, औपचारिक शिक्षण की अवस्थाएं बताई। इतना आपका पॉइंट इसमें है।